नमस्कार दोस्तों, ग्रेट इंडियन ट्रैवलर जीआईटी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारी वीडियो है खाटू श्याम जी मंदिर। तो आज हम ट्रैवल करेंगे खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। सड़क और ट्रेन के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन है रिंगस जंक्शन, जो मंदिर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। और वहां से आपको कैब और जीप वगैरह मिल जाती है, जिससे आप आराम से यहां पर मंदिर में पहुंच सकते हैं। आप सड़क रास्ते से भी अपनी गाड़ी से यहां आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। दिल्ली और जयपुर दोनों जगह से इसकी बस मिलती है। आपको खाटू में एंट्री करने से पहले ही गाड़ियों को पार्किंग में लगाना पड़ता है और फिर आप ऑटो लेके आ सकते हैं। जो सामने दिखाई दे रहा है, ये खाटू श्याम जी मंदिर का प्रवेश द्वार है और ये सुंदर द्वार आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप वीकेंड पर प्लान बना रहे हैं खाटू श्याम जी और अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो आपको अपनी गाड़ी में पहुंचने से पहले ही पार्किंग पे लगानी पड़ेगी और 1-1.5 किलोमीटर आपको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ियों के लिए नो एंट्री जोन है। तो इसी प्रकार हमने किया। खाटू जी रुकने के लिए वहाँ पर होटल और धर्मशाला दोनों मिल जाते हैं। और इस बार हम सपरिवार यात्रा कर रहे हैं, ये हमारी फैमिली है पूरी। ऑफिशियल टूरिज्म की वेबसाइट के अनुसार खाटू श्याम जी के मंदिर की कहानी ये है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले बारबरी की वीरता बेजोड़ बताई जाती थी। उसने कमजोर पक्ष का पक्ष लेने का फैसला किया था, ताकि वह निष्पक्ष रह सके। एक ऐसा निर्णय जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों का पूर्ण विनाश हो जाता। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने ऐसे विनाशकारी परिणाम से बचने के लिए बारबरी से उसका सर दान में मांग लिया, जिसके लिए वह तुरंत सहमत हो गया। श्री कृष्ण बारबरी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और बारबरी के महान बलिदान से उन्होंने उसे वरदान दिया, जिसके अनुसार बारबरी को कलयुग वर्तमान समय में श्री कृष्ण के ही नाम श्याम जी के नाम से जाना जाएगा, उन्हीं के स्वरूप में पूजा जाएगा। और यहाँ से श्याम जी के मंदिर में जाया जाता है। लास्ट ईयर यहाँ पर एक स्टैम्पेड की घटना हो गई थी भगदड़ के कारण, तो उसके बाद ये जालियाँ लगा दी गई हैं। और उसके बाद अभी शायद 3-4 महीने पहले ही ये मंदिर दोबारा खुला है, तो इस तरह बैरिकेटिंग कर दी गई है। जो लेफ्ट साइड में आप जो लाइन देख रहे हैं, उसके द्वारा श्याम जी के बिल्कुल करीब से दर्शन होते हैं। और जो राइट साइड में लाइन है, वो घूम के ऊपर से आपको प्लेटफॉर्म से दर्शन कराते हैं। तो पहले मैं आपको ऊपर से दर्शन कराएंगे और फिर दोबारा हम चलेंगे आरती के समय नीचे से करीब से दर्शन के लिए। अब बात करें मंदिर के निर्माण की। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बारबरी के सिर को वरदान स्वरूप देकर रूपावती नदी में बहा दिया। एक बार कलयुग शुरू होने के बाद सिर को राजस्थान के खाटू गांव में एक ऐसे स्थान पर दफनाया गया था जो कि कलयुग शुरू होने तक अदृश्य था। पर जब एक गाय दफन स्थान को पार कर रही थी, तो उसके थनों से अनायास ही दूध निकलने लग गया। हैरान गांव वाले ने उस जगह खुदाई की, तो दफन सिर सामने आ गया। खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया, जिसमें उनसे सिर को एक मंदिर के अंदर स्थापित करने के लिए कहा गया। मंदिर के पास एक पवित्र तालाब है, जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां से खाटू श्याम जी का सिर प्राप्त हुआ था। भक्तों के बीच एक धारणा यह है कि इस तालाब में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपनी बीमारी से ठीक हो सकता है और उसे अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। भक्ति भाव से भरे लोगों का तालाब में डुबकी लगाने का कोई असामान्य दृश्य नहीं है। यह भी माना जाता है कि हर साल आयोजित होने वाले फाल्गुन मेला महोत्सव के दौरान श्याम कुंड में स्नान करना विशेष लाभकारी होता है। मंदिर और कुंड के दर्शन करने के बाद अभी हम आए हैं बाहर मार्केट में, और इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। पूरा जो खाटू धाम है, वहाँ पर आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। इस तरह आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं और ये इसी तरह के भगवान के लोकेट और इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। तो एक ओवरव्यू है और कैसा माहौल रहता है जो खाटू की गलियों में, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
खाटू श्याम जी मंदिर में प्रतिदिन 5 आरतियां की जाती है। मंत्रोच्चार और आरती से उत्पन्न भक्तिपूर्ण माहौल और शांति अतुलनीय है। और यदि आप इस खूबसूरत मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपको इसमें से किसी एक आरती में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए। मंगला आरती यह सुबह सुबह की जाती है जब मंदिर भक्तों के लिए अपने द्वार खोलता है। श्रृंगार आरती जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह वह समय है जब खाटू श्याम जी की मूर्ति को आरती के साथ भव्य रूप में सजाया जाता है। भोग आरती दिन की तीसरी आरती है, यह दोपहर के समय की जाती है जब भगवान को भोग या प्रसाद परोसा जाता है। संध्या आरती यह आरती शाम को सूर्यास्त के समय की जाती है। और शयन आरती रात के लिए मंदिर बंद होने से पहले शयन आरती की जाती है। इन सभी समूहों में दो विशेष भजन गाए जाते हैं, ये है श्री श्याम आरती और श्री श्याम विनती। और रात के समय इस तरह चहल पहल रहती है खाटू की गलियों में। और आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जो श्याम बाबा के झंडे लेके घूम रहे हैं और रात के दर्शन के लिए भी लंबी कतारें लगती हैं और खाटू की गलियां ऐसे श्रद्धालुओं से भरी रहती हैं। गुड मॉर्निंग। अभी मंगला आरती के लिए जो कि सुबह 4:30 बजे होती है उसके लिए जो है हम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग दर्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं सुबह की भीड़ 4 बजे के करीब है। और अभी ये जो है ये जो कुंड है जो अभी दरवाज़ा इसका बंद है 4 बजे, लोग वहीं वहाँ भी वेट कर रहे थे। अभी हमें जाना है जो श्याम बाबा जी का मंदिर है वहाँ पर। तो सुबह सुबह हम नंगे पैर निकल चुके हैं और 4:30 बजे तक हमें एंट्री करनी है, उसके बाद जो एंट्री क्लोज हो जाएगी और फटाफट भाग के हम एंट्री कर रहे हैं। और ये सुबह का व्यू है। यहाँ से हमें कम से कम 500 मीटर जाना है। तो ये 500 मीटर से पहले रेलिंग हो गई है। जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रही हैं तीन लाइनें, इनसे जो है ऊपर से घुमा के और एंट्री होती है और बिल्कुल आपको जो श्याम जी के बिल्कुल सामने से ऊपर प्लेटफॉर्म से एंट्री करवाए जाते हैं। और जो जिस लाइन में हम खड़े हैं ये लगभग राइट साइड में मिडल के आसपास है लाइनें। और जो ये लेफ्ट साइड में लाइन दिखाई दे रही हैं आरती के समय इन्हें रोक दिया जाता है और कुछ वीआईपी लोग जो कि जान पहचान वाले होते हैं सिक्योरिटी के या फिर कुछ ऐसे, उनको ही वहां से चुपके से एंट्री कराई जाती है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे।
और जो आम लोग जो देखने आते हैं उनको बेचारों को जो श्याम जी की मूर्ति उससे दूर धकेल के और एक तरफ लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही अन्यायपूर्ण है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस मंदिर में मोस्टली देखने को पाया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन इतना ढंग से काम नहीं करता है, और इसी कारण पिछले साल में स्टम्पीड की घटना भी हुई है, और उसके बाद भी अभी भी जो है यह आम यात्रियों को बुरी तरह से साइड में धकेल दिया जाता है, और जो रिश्तेदार हैं और जो वीआईपी लोग हैं और जो जान पहचान वाले हैं उनको इलीगली रूप से साइड में से एंट्री दे दी जाती है। इसमें आप देखेंगे किस तरह से वो देते हैं एंट्री। अब आप देख रहे हैं कि जो ये लाइन दिखाई दे रही है इसके बीच में से एंट्री दे दी गई है, लेकिन ये लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से यात्रियों को आने नहीं दिया जा रहा और बीच में से आप एंट्री दे दे रहे हैं, तो ये ऐसे ही गलत चीज़ें यहाँ होती हैं। तो ये देख के बहुत ही दुख होता है कि जो यात्री जो श्रद्धालु आए हैं उनको बेचारों को दूर धकेल दिया जाता है और इस लाइन में एंट्री नहीं होने देती, और बीच में से ये अपने लोगों को, और ये यहाँ पर शायद ये जो मिठाई की दुकानें हैं और ये भी लोग शायद इस तरह से एंट्री करते हैं। तो आगे आपको दिखेंगे कि ये महिलाओं का भी एंट्री दे दी गई है, और ये जो पुरुष लोग हैं जब आरती स्टार्ट होगी इनको भी इधर से एंट्री दे दी जाएगी। अब आप देख रहे हैं इन सभी लोगों को वहाँ से बीच में से एंट्री दे दी गई है, और ये जैसे ही आरती स्टार्ट हुई और वहाँ पहुँच गए हैं, और इसके अलावा और किसी भी लोगों को उधर से आने की एंट्री नहीं दी जा रही। बाकी लोगों को इधर कोने वाली लाइनों में खड़ा कर दिया गया है, और जो लाइनें हैं वो भी रोक दी गई हैं। और सारे श्रद्धालु लोग ये अन्याय अपने सामने देख रहे हैं, तो कुछ लोग इनमें से बैरिकेड कूद के उस तरफ जाना चाहते हैं, तो ये बैरिकेड भी कूद रहे हैं, बिकॉज वो इस तरह से इलीगली एंट्री दे देते हैं, कभी किसी को पीछे से आगे पहुंचा देते हैं और बीच में से एंट्री दे देते हैं, तो एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है इनका। और आप ये देख रहे हैं ये कमेटी है इनकी जो इसको मैनेज करती है, ऊपर फोटो लगा हुआ है, और तो इस तरह से लोग फिर जो है लाइनें क्रॉस करते हैं जिससे कि स्थिति और ख़राब हो जाती है। बीच में सिक्योरिटी गार्ड एंट्री करते हैं और थोड़ा इंटरवीन करते हैं, बट ये क्रैश इस वजह से होता है कि उधर से बीच में से एंट्री दे दी जाती है, और जो यात्री हैं वो अपने सामने देख रहे हैं कि ये अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ, तो फिर इस तरह से माहौल थोड़ा सा बेकार हो जाता है सुबह सुबह। तो इस तरह से इनको नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से काम करना चाहिए, मैं तो यही राय दूंगा अपनी। और बाकी इससे श्रद्धालुओं को बहुत ही दुख होता है कि भगवान के मंदिर में भी लोग ऐसा काम करते हैं। और इसी बीच श्याम जी की आरती का समय हो गया है, तो अभी हम आरती में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इन्होंने सिक्योरिटी ने पहले ही रोक लिया, तो बीच में से ही यहाँ से ही हम आरती का जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तो इधर से ही आरती स्टार्ट करते हैं। Thank you.
सुबह की मंगल आरती के बाद हमारे ये श्याम जी के दर्शन हो गए हैं, तो उसके बाद हम वापस चल रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं ये सिक्योरिटी गार्ड आम जनों से कैसे लड़ाई कर रहे हैं, और बीच में आप देख रहे हैं कैसे एंट्री कर रहे थे ऐसे दूसरे लोगों की, और ये आम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, चिल्लाते हैं उनके ऊपर। और अब हम आरती करके वापस आ गए हैं, और सुबह भी आप देख सकते हैं आज रविवार का दिन है और सुबह सुबह ही भक्तों का तांता लग गया है। आरती के बाद भी खाटू की गलियों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और श्रद्धालु झंडे लेके और कोई गुलाब फूल लेके यहाँ पे घूम रहा है। और आपके सामने जो है ये प्रवेश द्वार, और अब हम वापस आ रहे हैं। तो ये प्रवेश द्वार पे लोग आते वक्त जो माथा टेकते हैं और फिर जाते हैं, प्रवेश द्वार पे भी अच्छा खासा झूम लगा रहता है और श्रद्धालु काफ़ी लोग ही आप दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे माथा टेकते हैं और एंट्री गेट पे और फिर अंदर जाते हैं। तो श्याम जी की यात्रा का ये जो एंट्री गेट है, और आज रविवार है तो आज बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं, और आप ये देख रहे हैं सारा नज़ारा एंट्री गेट का। तो प्रवेश द्वार पर ऐसे जो है भीड़ लगती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा 2023 अब की बार 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, और पिछली बार 2022 में हमने यात्रा की थी, तो उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है जिसके टोटल 7 एपिसोड मैंने बनाए हैं। तो आप उन एपिसोड को जाकर देखिए और अमरनाथ यात्रा का आनंद लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट है, आपके जो विचार हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ज़रूर डालिए। इससे हमें जो पता चलता है कि वीडियो में क्या कमियां हैं और क्या मैं सुधार कर सकता हूँ। खाटू श्याम जी की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।